हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कि जीवन में मुश्किल लक्ष्य को कैसे पाया जाए। हर इंसान के जीवन में अलग अलग तरह के लक्ष्य होते हैं। कोई लक्ष्य आसान होता है, कोई लक्ष्य मुश्किल होता है, और कोई लक्ष्य उस मुश्किल से मुश्किल भी होता है। तो ऐसे मुश्किल लक्ष्य को कैसे पाया जाए, उस मंजिल पर कैसे पहुंचा जाए, आज इसके बारे में बात करें। बहुत से जने कहते हैं, सर हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और तरह तरह के मतलब उसमें प्रयोग करते रहते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। कोई विशेष कार्य होता है, उसमें सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप एकाग्रचित होकर वो काम नहीं करते। आप जब भी कोई काम करते हो तो तरह तरह के दिमाग में, आपके माइंड में दूसरी चीज़ें आती रहती है। ऐसा ना करें। आप जिस लक्ष्य के बारे में सोचे उसी लक्ष्य के बारे में सोचें, उसी लक्ष्य के बारे में सोते वक्त सोचें, जागते वक्त सोचें, चलते वक्त सोचें, हर वक्त आपके दिमाग में वही लक्ष्य होना चाहिए। हर वक्त जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो वही लक्ष्य आपके दिमाग में आना चाहिए। एकाग्र होकर आपको उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी आप वो लक्ष्य पूरा कर पाओगे, अदरवाइज वो लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आपको कोई जीवन में मुश्किल लक्ष्य पाना हो तो सोते जागते उठते बैठते उसी लक्ष्य के बारे में सोचना होगा, बार बार उसके बारे में सोचना होगा और तरह तरह की योजनाएं बनानी होगी कि मैं कैसे उस लक्ष्य को पाऊं और कैसे आगे निकलूं। उस लक्ष्य के बारे में आपको मतलब जीना होगा, आपके रोम रोम में वो लक्ष्य आना चाहिए। जब आप वो लक्ष्य पूरा करने में जुटे हो तो तब टाइम कैसे निकले पता ही नहीं चले। उस वो होता है लक्ष्य के प्रति जुनून। ये चीज आपके अंदर पैदा करनी होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक राजा और एक किसान की। आपको देखिए कैसे इस मुश्किल जीवन में आपके कोई भी मुश्किल लक्ष्य आए उसको पूरा किया जा सके। एक बार एक पुराने जमाने में एक प्रतापी राजा थे। बहुत ही अच्छा वो शासन करते थे, हर तरफ उनकी चर्चा थी और अच्छा शासन करते थे। उसके साथ ही वो अच्छी तपस्या भी करते थे, इतना सारा सब कुछ वो कार्य करते थे, तो वो थोड़े बहुत दुबले भी हो गए थे। तो एक बार एक किसान आता है दरबार में और राजा से पूछता है कि महाराज, आप इतना अच्छा शासन करते हैं, चारों तरफ आपकी इतनी प्रशंसा होती है और साथ में आप इतनी तपस्या भी करते हैं, आप ये सब कार्य कैसे कर लेते हैं? तो राजा उस वक्त उस किसान को कुछ बोलते नहीं है। वो कहते हैं कि इसको प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। तो राजा उस किसान को एक कटोरा देते हैं, उस कटोरे में तेल होता है, तेल बराबर फुल भरा हुआ होता है। तो राजा उस किसान को कहते हैं कि ये कटोरा है, इसमें तेल है, आप तुम लेके जाओ और सैनिकों की छावनी में जाओ, और साथ में सैनिक भेज रहा हूँ, ये तरह तरह की चीज़ें आपको इस छावनी में तुमको बताएंगे, और लेकिन ध्यान रखना कि इस कटोरे में तेल है ना, उसका एक बूंद भी ना गिरने पाए। अगर एक बूंद भी गिर गया ना तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब उस किसान का दिमाग खराब हो जाता है। अब वो कटोरा लेके किसान उस सिपाही के साथ में छावनी में जाता है। अब छावनी में जाता है तो वो सिपाही उस किसान को तरह तरह की चीज़ें बताता है, तरह तरह के घोड़े बताता है, तरह तरह के हाथी बताता है, तरह तरह के मतलब हथियार बताता है, लेकिन उस किसान का ध्यान किधर रहता? उस कटोरे के ऊपर रहता है। वो एक क्षण एक पल के लिए भी उस कटोरे से नजर नहीं हटाता है। अब वो सिपाही उसे तरह तरह की चीजें बता रहा है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कटोरे के ऊपर है कि कहीं बूंद नीचे ना गिर जाए। बूंद नीचे गिर गई तो राजा मुझे मृत्युदंड देगा। अब देखना, जब से वो कटोरा लेके महल से वो किसान निकला और पूरी छावनी में घूम के आता है, उसमें 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे में पूरी नजर उस किसान की उस कटोरे के ऊपर रहती है। देखिए आप, वो सिपाही उस किसान को तरह तरह की चीजें बताता, रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कटोरे पर रहता है। एक टक उस कटोरे को देखता रहता है उस किसान उस कटोरे कि कहीं एक बूंद गिर न जाए, और एक बूंद भी गिर गई तो राजा मुझे मृत्युदंड देगा। जब वो किसान वापस वो कटोरा लेके उस दरबार में आता है राजा के पास में, तो राजा उस किसान से पूछता है, क्या हुआ, गए छावनी में बहुत सारी चीज़ें देखी तुमने? तो किसान कहता है, हे राजन, मैं क्या देखूं, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस कटोरे के ऊपर था कि कहीं
एक बूंद भी तेल के नीचे नहीं गिर जाए। तो राजा कहता है यही मेरे शासन करने का तरीका है, यही मेरी तपस्या करने का तरीका है कि मेरा ध्यान इसी पे केंद्रित रहता है, मेरा ध्यान कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं इतना अच्छा शासन कर पाता हूं और अच्छे शासन के साथ में इतनी तपस्या कर पाता हूं। तो वो किसान समझ जाता है कि राजा इतनी अच्छी तपस्या और इतना अच्छा शासन कैसे करता है। क्यों? क्योंकि उस राजा का सारा ध्यान एकाग्रचित होकर अपने शासन पर लगता है और अपनी तपस्या पर लगता है। तो आप देखिए कि अगर आप भी किसी लक्ष्य के प्रति इतनी सजगता, इतनी चतुरता और इतने ध्यान देंगे तो आप किसी लक्ष्य के प्रति अवश्य पहुंच पाएंगे। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि उस लक्ष्य के प्रति आप ना पहुंच पाए, बस उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर जुट जाइए। सोते जागते उठते उस लक्ष्य को ही ध्यान रखें, दूसरी जगह कहीं अपना दिमाग न लगाएं, दूसरी जगह कहीं भी अपना ध्यान न लगाएं, तभी आप जीवन में मुश्किल लक्ष्य को पा पाओगे। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।